दोस्तों रॉय को जूस पसंद नहीं आया तो वो एक बच्चे की तरह उसमें बुलबुले बना रहा था, लेकिन उसकी इस हरकत से सोनिया को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए वो गुस्से में रगड़ते हुए रॉय को वापस घर लेकर आ जाती है। अब कुछ दिन बाद रॉय का आधा शरीर गमले में उग चुका था और उसकी बॉडी देख सोनिया हैरान थी, और जब उसने रॉय की बॉडी को छुआ तो उसकी दिल की धड़कन काफी बढ़ गई। लेकिन अचानक से रॉय ने भी उसकी बॉडी को छू लिया और वो भी अपने गंदे हाथों से, जिस कारण सोनिया उससे नाराज हो गई क्योंकि रॉय ने उसकी लाखों रुपए की ड्रेस खराब कर दी थी। लेकिन सोनिया का ऐसा बर्ताव देख रॉय भी अब उससे नाराज हो जाता है, जिसे मनाने के लिए वो उसके सामने एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन के बैठ जाती है और इंतजार करती है कि रॉय उसके साथ कुछ करे, लेकिन उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए अब सोनिया उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है, जिसकी परवाह रॉय करता नहीं है और खुद ही अकेला ड्रिंक पीने लगता है। और जब वो सुबह जागा तो उसे काफी प्यास लगी थी, लेकिन उसने पाया कि बाल्टी में पानी नहीं था, और फिर सोनिया जानबूझकर उसके सामने एक गिलास पानी लेकर आई, लेकिन उसने रॉय को एक बूंद भी पीने नहीं दी बल्कि सारा पानी खुद ही पी गई। रॉय पूरे दिन प्यासा था, जिस कारण से उसका पूरा शरीर सूख गया और उसे काफी ठंड लगने लगी, जो अब अचानक से बेहोश हो गया है, जिसके बेहोश होते ही सोनिया डर गई और उसे कैसे होश में लाया जाए उसकी किताब जल्दी से पढ़ने लगी।